ओके गाइस, आज कुछ नया देखने को मिलेगा जैसे कि मैंने आपको बोला। ओके तो ये सारे स्पीकर्स जो आप देख रहे हो 3 वॉट 5 वॉट 10 वॉट 20 वॉट्स के सारे स्पीकर्स हैं, 25 वॉट तक है, 4 इंच का सबवूफर है, 5.1 एम्पलीफायर है, ये बीटी है जो कि 5.1 एम्पलीफायर में कनेक्ट होगा, ये 5.1 का डिकोडर है। ये जो आप देख रहे हो ये सारे न्यू रेंज के एम्पलीफायर बोर्ड है, बहुत बढ़िया रेंज होने वाली है। तो हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में कुछ स्पीकर्स दिखाने वाला हूं मैं, 10 वॉट 15 वॉट 3 वॉट 5 वॉट ट्वीटर्स दिखाने वाला हूं, सबवूफर दिखाने वाला हूं, 5.1 एम्पलीफायर दिखाने वाला हूं, उसका डिकोडर दिखाने वाला हूं, एक स्टीरियो एम्पलीफायर बोर्ड दिखाने वाला हूं जो कि छोटे छोटे ब्लूटूथ स्पीकर में लगता है, उसके बाद 5.1 का प्रॉपर सिस्टम दिखाने वाला हूं। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, और कुछ न्यू एम्पलीफायर्स भी दिखाऊंगा इस वीडियो में, और सबवूफर भी अपने पास है। लास्ट वीडियो में प्यार दिखाने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के क्या क्या न्यू प्रोडक्ट है अपने पास, और सब कवर करते हैं विद प्राइस, सो लेट्स गो। और गाइस, ये जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए हैं ये हमारे कस्टमर ने, जिनका नाम भगवान है, जम्मू कश्मीर से है वो, तो उन्होंने ये सब ऑर्डर किया है। और कुछ एक्स्ट्रा एम्पलीफायर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ वो दिखाना, वो आप देखिए, वो बहुत ज्यादा मतलब मजेदार है, बजट फ्रेंडली है। अगर आप 50-50 वॉट के 100-100 वॉट के स्पीकर बजाना चाहते हो तो उनसे बजा सकते हो। तो आइए गाइस, वीडियो कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस, आज कुछ नया देखने को मिलेगा जैसे कि मैंने आपको बोला। ओके तो ये सारे स्पीकर्स जो आप देख रहे हो 3 वॉट 5 वॉट 10 वॉट 20 वॉट्स के सारे स्पीकर्स हैं, 25 वॉट तक है, 4 इंच का सबवूफर है, 5.1 एम्पलीफायर है, ये बीटी है जो कि 5.1 एम्पलीफायर में कनेक्ट होगा, ये 5.1 का डिकोडर है। और गाइस, ये जो आप देख रहे हो ये सारे न्यू रेंज के एम्पलीफायर बोर्ड है, बहुत बढ़िया रेंज होने वाली है। तो एंड में मैं ये सब आपको दिखाऊंगा, उससे पहले मैं जितने भी अपने पास ये स्पीकर्स हैं, मिनी स्पीकर्स हैं, स्मॉल स्पीकर्स हैं, इन सबको टेस्ट करके दिखाऊंगा। और गाइस, हमारे जो कस्टमर है, भगवान नाम है उनका, जम्मू कश्मीर से हैं, तो उन्होंने ये 5.1 बिल्ड करने के लिए मुझसे ये सिस्टम लिया है, पैनासोनिक का विंटेज टाइप का, ठीक है। ये सेंटर स्पीकर है, बाकी ये 4 स्पीकर आपको मिलेंगे, ये पूरा 5.1 सिस्टम बनाएंगे वो भगवान जी। उसके बाद गाइस, ये इनक्लोजर लिया है उन्होंने 10 इंच का, और एक ये 10 इंच का सबवूफर लिया है 7 कोर का। ओके, ये बेस के लिए लिया है इन्होंने, बाकी ये स्पीकर से 5.1 के, और बाकी ये स्पीकर भी उन्होंने चूज किया है, और ये 30+30 वॉट का एम्पलीफायर भी चूज किया है। तो सब कुछ एकदम डिटेल में बताता हूँ, सारे स्पीकर्स वगैरह की टेस्टिंग भी करने वाले हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, जितने भी आइटम्स मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं सबकी टेस्टिंग करने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। और जो न्यू एम्पलीफायर है वो अलग ही क्यूटेस्ट एम्पलीफायर है अभी तक के सारे मैंने अलग रेंज मंगाई है, तो सब कवर करने वाले हैं विद प्राइस। 5.1 सिस्टम एम्पलीफायर है, उसका डिकोडर है, हर एक चीज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप न्यू हो इस चैनल पे। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ठीक है, इस वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम कवर करेंगे जो हमारा 5.1 एम्पलीफायर है, ओके, जिसके थ्रू ये सिस्टम बनेगा पूरा पैनासोनिक का। इस एम्पलीफायर से आप 4 50 वॉट के स्पीकर ड्राइव कर सकते हो, और 100 वॉट का सेंटर स्पीकर, और 100 वॉट का सबवूफर, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक चीज मेंशन है। 4 50 वॉट के स्पीकर्स, एक सेंटर स्पीकर जो कि 100 वॉट का होगा, और 100 वॉट का सबवूफर। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि टीपीए 3110 एम्पलीफायर है, सीए 3110, ये आपके 30+30 वॉट के 2 स्पीकर ड्राइव करेगा 12-24 वोल्ट के लोड पे। ओके, बहुत अच्छा एम्पलीफायर बोर्ड है, अगर आपको एक छोटा सा स्पीकर बनाना है तो इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद गाइस, मैं आपको दिखाना चाहूंगा 5.1 एम्पलीफायर बोर्ड। सो गाइस, ये है 5.1 एम्पलीफायर बोर्ड, इसकी कंप्लीट वीडियो बहुत जल्दी आएगी जिसमें मैं सारे स्पीकर अटैच करके दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से। सो गाइस, ये कुछ लुक है, इसके अंदर जो आईसी है वो है TP3116D2, इसमें टोटल 4 आईसी है, उसको भी रिवील करेंगे। उसके बाद गाइस, देख सकते हो इसके पीछे ब्रांडिंग मिलेगी टेक्निकल मेकर की, और ये सारे इसके टर्मिनल्स हैं, आउटपुट के टर्मिनल्स, जहां पे हमारे 4 स्पीकर कनेक्ट होंगे 50+50 वॉट के 4। ओके, उसके बाद 100 वॉट का एक सेंटर स्पीकर कनेक्ट होगा, और 100 वॉट का सबवूफर। ओके, यहाँ पे हमें पावर सप्लाई अटैच करनी है जो कि हमारी होगी 18-24 वोल्ट की, ठीक है।
तो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, और ये सारे इसके कनेक्टर्स हैं देख सकते हो इनपुट के, यहाँ पे हर एक चीज मेंशन है, ग्राउंड वगैरह, फ्रंट राइट फ्रंट लेफ्ट सबवूफर, ये सब यहाँ पे हर एक चीज मेंशन है। तो इसकी आईसी को रिवील करते हैं, बाकी कंपोनेंट्स वगैरह देख सकते हो। हीट सिंक एकदम गोल्डन कलर में आपको मिलेगी, लुक बहुत अच्छा है। यहाँ पे इंडिकेटर के लिए एलईडी मिल जाएगी आपको रेड कलर की, ओके। तो ये कुछ लुक है, अच्छा खासा कैपेसिटर लगा हुआ है, अच्छे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं इस एम्पलीफायर बोर्ड में। प्राइस वगैरह आपको नीचे दिख रहा होगा वीडियो के। तो इसकी आईसी रिवील करते हैं गाइस। ओके गाइस, तो टोटल चार आईसी है जैसे कि मैंने आपको बताया था, TP3116D2 जो कि हमारी 100 वॉट की आईसी होती है। मैं आपको थोड़ा सा क्लीन करके दिखाता हूँ। TP3116D2 आईसी इसमें टोटल चार लगी हुई हैं, आप देख सकते हो। एकदम जेन्युइन आईसी टेक्सास की, अमेरिका की एक कंपनी है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, उसी की आईसी है। बहुत पावरफुल आईसी है। कॉन्फिग्रेट किया गया है कि 4 ओम के स्पीकर आप इससे प्ले करोगे, सबवूफर प्ले करोगे तो आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। ओके, तो जल्दी से फिटिंग कर देते हैं वापस। ओके गाइस, तो मैंने आईसी रिवील कर दी है इसकी। टोटल 400 वॉट का ये बोर्ड है। ओके गाइस, तो इसको साइड रखते हैं। अब मैं इसका डिकोडर भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये इसका डिकोडर है, इसका प्राइस भी आपको नीचे दिख रहा होगा। ये सारे इसके बटन्स हैं और यहाँ पे इसके सारे कनेक्शंस के वायर हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सारे, ओके, यहाँ पे ये सोल्ड होगा। और जिस कस्टमर ने मंगाया है, भगवान जी ने मंगाया, वो कनेक्शन करिए, मुझे वीडियो जरूर देंगे, वो इस वीडियो में ऐड हो जाएगी एंड में या बीच में कहीं ऐड हो जाएगी। डिकोडर है या एम्पलीफायर है, तो ये दोनों एक साथ होंगे तभी 5.1 एम्पलीफायर बोर्ड बनेगा। एक और डिकोडर आता है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे, सेम डिकोडर है जो आपको चाहिए था। सारी केबल्स वगैरह भी आई थिंक इसके नीचे हैं। ओके गाइस, उसके बाद एक बीटी भी चाहिए, तो ये बीटी मैं दे रहा हूँ पगारिया का, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसका प्राइस भी आपको दिख जाएगा, बहुत अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। तो ये बीटी है 5.1 के लिए। उसके बाद गाइस एक और एम्पलीफायर है जो कि 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, ये प्लग इन प्ले वाला है। तो ये जो स्पीकर्स है 3 वॉट के या 5 वॉट के, आप इसे चला सकते हो। आपको क्या करना है, 2 स्पीकर लगाने हैं इसमें, इस एम्पलीफायर बोर्ड में। ओके, कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएंगे हमारे स्पीकर्स, यहाँ पे ये कनेक्टर्स हैं। ओके, और 2 स्पीकर लग जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हमारी बैटरी लग जाएगी ये 5 वोल्ट की। उसके बाद ये रेडी टू यूज़ है, यहाँ पे 5 वोल्ट का डीसी चार्जर भी आप लगा सकते हो और बैटरी को चार्ज कर सकते हो। एक प्रॉपर ब्लूटूथ स्पीकर बना सकते हो पोर्टेबल इस एम्पलीफायर की हेल्प से। इसमें माइक का ऑप्शन मिल जाएगा, यूएसबी का ऑप्शन मिल जाएगा, मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, रिमोट कंट्रोल है, कैरियोके है, ऑक्स है, और चार्जिंग का पॉइंट भी है, मोड है, सब फीचर इसमें मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन, ठीक है। उसके बाद गाइस ये सारे कनेक्टर्स मैं दे रहा हूँ, वो जिस तरीके से यूज करेंगे। उसके बाद गाइस मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ स्पीकर्स और सबवूफर। ओके, सो गाइस सबसे पहले ये ट्विटर देख सकते हो, इसकी बहुत डिमांड है गाइस, बहुत डिमांड है। कोई भी DIY प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है, स्पीकर बनाने जा रहा है, तो इसको जरूर ढूंढता है, जिसको नॉलेज है ट्विटर की वो जरूर लेता है। 4 ओम का ट्विटर है, 8 वॉट का, इसका प्राइस भी आपको दिख रहा होगा, और बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है। मैं प्ले करना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से सारे स्पीकर्स वगैरह और दिखाता जाऊँगा फीचर वगैरह। तो ये अपना एम्पलीफायर है TB21, बहुत पावरफुल एम्पलीफायर है और मज़ा आ जाता है इसमें। जो आईसी लगी हुई है वो है TP3116D2, बहुत बढ़िया आईसी है। तो अभी आप साउंड सुनना, मैं साउंड प्ले कर देता हूँ उसमें। ये ऑन तो ऑलरेडी हो रखा है, आप देख सकते हो ब्लू लाइट आपको दिख रही होगी यहाँ पे। टोटल 5 नॉब्स है जिसमें से 2 सबवूफर की फ्रिक्वेंसी और वॉल्यूम को कंट्रोल करेगी, और ये जो 2 नॉब है ये हमारे जो स्पीकर होंगे 50-50 वॉट के राइट एंड लेफ्ट चैनल, ये उसके बेस एंड ट्रेबल को कंट्रोल करेगी। ये मास्टर वॉल्यूम है और इसी में हमारा ऑन ऑफ बटन इनबिल्ड है, ठीक है। इससे आप 100 वॉट का सबवूफर,
4 ओम की लोड पे और 50 वाट के दो स्पीकर बहुत ही इजीली ड्राइव कर सकते हो 4 ओम की लोड पे। बाकी आप 8 ओम 6 ओम के स्पीकर वगैरह भी यूज कर सकते हो पर आउटपुट थोड़ा कम मिलेगा। ओके गाइस, तो साउंड प्ले करते हैं, ट्विटर में कनेक्शन करते हैं, लेट्स गो। इस ब्लूटूथ पेयरिंग कर दिया, साउंड प्ले कर दिया है, ट्विटर की टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कितनी अच्छी हाई समय सुनने को मिलेगी इस ट्विटर की हेल्प से जो कि 1.5 इंच का है। ओके गाइस, तो ये ट्विटर है, बहुत अच्छी हाइस है इसकी। ओके, उसके बाद गाइस ये बूफर है हमारा 4 ओम का 10 वॉट का सीनियर साउंड, इसका ब्रांड है। अभी इसका साउंड सुनना, मजा आ जाएगा। ओके गाइस, तो प्राइस वगैरह आपको नीचे दिख जाएगा, 4 ओम 10 वॉट का ये बूफर है हमारा। उसके बाद गाइस ये हमारा स्पीकर है 10 वॉट का सन वॉइस का, एक बार इसका साउंड सुनो गाइस, मजा आ जाएगा। ओके, तो प्लस प्लस माइनस माइनस ये कितने ओम का है, ये आपका अप्रोक्स 4 ओम का ही होगा। ठीक है, साउंड प्ले करते हैं, अभी आप सुनना। गाइस, तो इसका ऑर्डर भी किया है भगवान जी ने, आप भी ऑर्डर कर सकते हो, पर गाइस क्वांटिटी में होना चाहिए। ठीक है, और गाइस ये आईमा का आपको पता है बहुत डिमांडिंग पीस है, 8 ओम का फुल रेंज स्पीकर है, इसका साउंड सुनिए 25 वॉट में, मजा आ जाएगा साउंड सुन के। ओके गाइस, तो ये आईमा का है 25 वॉट का स्पीकर 8 ओम्स में, तो इनका भी एक पेयर मंगाया भगवान जी ने और बहुत सारा सामान मंगाया उन्होंने। उसके बाद गाइस ये एक स्पीकर है ओमेगा का 4 ओम 10 वॉट का स्पीकर है, आप इसका साउंड सुनिए, मजा आ जाएगा। तो ये ठीक है, 4 ओम 10 वॉट का स्पीकर, मजेदार साउंड है, आपने जैसा कि सुना 2.5 इंच का। ओके, 2.5 इंच का है, और ये अपना जो आईमा का था ये 2 इंच का है। ओके, और ये भी अपना 1.5 इंच का है। ओके, जो कि 10 इंच का था, जो कि 10 वॉट का था अपना ये। उसके बाद गाइस हम टेस्ट कर लेते हैं ये 20 वॉट का स्पीकर, इसका साउंड सुनिए, 20 वॉट 2.5 इंच का स्पीकर है। तो बहुत अच्छा साउंड है, 20 वॉट 4 ओम का स्पीकर ये भी है और बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो साउंड चेंज करते हैं, अब कुछ और प्ले करते हैं। तो ये 3 वॉट का स्पीकर है हमारा, ओके, ये 1.5 इंच का है, 1.5 इंच का स्पीकर है और बहुत अच्छी क्वालिटीज है जो भी यहाँ पे मैंने दिखाई है आपको, अच्छी क्वालिटी है, साउंड बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। अभी मैं आपको सबवूफर की टेस्टिंग दिखाने वाला हूँ। ओके, तो सबवूफर का वायर अपना है ये, और ये है अपना 4 इंच का सबवूफर 30 वॉट का सीनियर साउंड ब्रांड है, अभी साउंड सुनिए इसका। एक इंच की वॉइस कॉइल है इसके अंदर, ओके। तो ये 4 ओम का स्पीकर है 20-30 वॉट का सीनियर साउंड ब्रांड है, 4 इंच का है, बहुत अच्छा स्पीकर है, आपने जैसे कि सुना डिस्ट्रॉशन बिल्कुल भी नहीं थी इस सबवूफर में, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ओके, तो इसको भी बाय कर सकते हो, मैक्सिमम 2 पीस गाइस, ओके, पेयर में बाय करना जितना हो सके। उसके बाद गाइस मैं टेस्ट कराने वाला हूँ आपको, 4 वॉट का सबवूफर है 10 इंच का, तो आप साउंड सुनिए। तो ये कुछ सबवूफर है हमारा, 4000 वॉट पीक पावर है, डबल मैग्नेट का है, 10 इंच सबवूफर। सॉरी, मैं अभी बेस दिखाता हूँ आपको इस सबवूफर का कि क्या क्वालिटी है।
अगर अभी इनक्लोजर में होता तो मजा आ जाता। बहुत अच्छी क्वालिटी है, 7 कोर ब्रांड है, डबल मैग्नेट है, माइका कोन है इसके, और हाइब्रिड सराउंड है, ठीक है, आई मीन रबर सराउंड अपने। तो गाइस ये सबवूफर भी अपने पास अवेलेबल है, जितने पीस चाहिए उतने पीस मिल जाएंगे आपको। बहुत अच्छा सबवूफर है, 2 इंच की इसमें वॉइस कॉइल आपको देखने को मिलेगी। तो अभी इसको साइड रखते हैं, तो इसमें आपको 1.5 इंच की वॉइस कॉइल देखने को मिलेगी। ओके, 1.5 इंच की वॉइस कॉइल है 7 कोर के सबवूफर के अंदर। उसके बाद गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना जो 5.1 सिस्टम है आपके सामने रखा हुआ है, ये इसकी टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ एक एक करके कि क्या क्वालिटी दे रहा हूँ मैं उनको। उसके बाद जो 10 इंच का अपना इनक्लोजर है वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। ओके, तो आपके सामने रखा हुआ है सिस्टम पूरा 5.1। तो मैं आपको स्पीकर सबसे पहले टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये जो अपना पैनासोनिक का आप देख रहे हो, अभी ये वाला प्ले होगा, ये वाला सिस्टम जो कि 50 वॉट में है और 50 वॉट का ही सपोर्ट करेगा हमारा एम्पलीफायर। तो प्ले करते हैं। ओके, तो जो 50 वॉट का स्पीकर है हमारा कुछ ऐसी क्वालिटी है। अब जो ये लेफ्ट है हमारा, फ्रंट लेफ्ट होगा हमारा, इसकी भी क्वालिटी दिखाता हूँ, ये वाला। ओके, तो आप साउंड सुनना। हाइस बहुत अच्छी आएगी इसमें। ओके गाइस, तो ये 3-वे स्पीकर है 2 यहाँ पे, और ये 2-वे है, एक ट्विटर एक स्पीकर है इसमें। आई थिंक 3 इंच का स्पीकर है और 2 इंच का इसमें ट्विटर है। ये 3-वे स्पीकर है, इसमें एक छोटा स्पीकर लगा हुआ है सामने, एक ट्विटर लगा हुआ है और एक ये हमारा बूफर लगा हुआ है। ओके, अब जो फ्रंट स्पीकर है हमारा जो आप सामने देख रहे हो, ओके, ये वाला, इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, जो कि प्रॉपर वोकल के लिए होता है हमारा फ्रंट स्पीकर, जिसमें वोकल बहुत क्रिस्पी आती है एंड क्लियर आती है। तो इसकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं। वगैरह मैंने प्रॉपर दिखा दिया, 3-वे स्पीकर हैं। तो सो गाइस ये सारे हमारे स्पीकर थे, सबकी टेस्टिंग मैंने आपको दे दी है 1 by 1। फ्रंट भी चेक करा दिया है, लेफ्ट भी चेक करा दिया है, और ये जो फ्रंट लेफ्ट है ये भी चेक करा दिया है। बीच में हमारा सबवूफर होगा जो कि हमारा 7 कोर का है। ओके, सो गाइस ये कुछ टेस्टिंग थी बेसिकली। गाइस ये जो हमारा 7 कोर का सबवूफर है 200 वाट में है, तो भगवान जी ने बोला है कि 200 वाट का ही दीजिए, पर ये ड्राइव करता है 100 वाट का। ये जो हमारा 5.1 एम्पलीफायर बोर्ड है ये 100 वाट का ड्राइव करता है। आई डोंट नो उन्होंने 200 वाट क्यों मांगा है। ओके, तो ये उनकी इच्छा है, आई थिंक उनके पास 100 वाट का ऑलरेडी होगा, क्योंकि अगर लोड पड़ेगा इस पे 200 वाट का तो हो सकता है कि आईसी ब्लास्ट हो जाए। ओके, सो गाइस ये कुछ प्रोडक्ट थे हमारे भगवान जी के। उसके बाद गाइस इनक्लोजर में आपको दिखाना चाहूंगा, ये अपना इनक्लोजर है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, उसी के बाद इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक तो ये कारवा ब्रांड का है, अंदर से आप क्वालिटी देखिए, ये हमारा बेस का पाइप है। ओके, बहुत अच्छी क्वालिटी है, यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिलेगी कारवा। फ्रंट लुक कुछ ऐसा है इसका, आप देख सकते हो। तो ये हमारा 10 इंच का इनक्लोजर है और बहुत डिमांड आई है गाइस। अब फोकस करते हैं अपने एम्पलीफायर्स पे जो कि न्यू वैरायटी के हैं, उन सबको कवर करते हैं। और गाइस मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो अभी देखते हैं एम्पलीफायर सारे। तो गाइस एम्पलीफायर को ऑफ कर देते हैं। सो गाइस ये जेट की TB21 है, बहुत पावरफुल एम्पलीफायर बोर्ड है, इसको ऑफ कर देते हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है। टेस्टिंग वगैरह मैंने दिखा दिया जिसकी टेस्टिंग करनी थी। ओके, तो इसको अभी साइड में रख देते हैं। अभी मैं सारे एम्पलीफायर आपको दिखाने वाला हूँ, तो इन सबको भी थोड़ा पीछे कर देते हैं। ओके, सो गाइस 1 by 1 ये जितने भी हमारे 6 एम्पलीफायर जो न्यू आए हैं उनको कवर करते हैं और देखते हैं क्या क्वालिटी हमें मिलेगी। टेस्टिंग वगैरह इनकी नेक्स्ट वीडियो में आएगी। ओके, तो देख लेते हैं।
ये टेक्निकल मेकर का XYC50L है, 50+50 वॉट का ये एम्पलीफायर है। कैटलॉग में आपको लिंक मिल जाएगा इसका, बाय लिंक। टेक्निकल मेकर की ब्रांडिंग मिलेगी और ये कुछ लुक है इसका, देख सकते हो। सिंगल नॉब है, USB लगा सकते हो ऑडियो इनपुट के लिए, ऑक्स लगा सकते हो, ब्लूटूथ भी है। दो स्पीकर चलेंगे 50-50 वॉट के। DC पावर इसको चाहिए 5V to 26V। ओके गाइस, तो ये क्वालिटी है इसकी। और ये बीच में इसकी IC लगी हुई है, ये देख सकते हो, जो कि 100 वॉट की IC है। और नॉब्स वगैरह भी है इसमें, और चार्जिंग पोर्ट भी है इसमें, देख सकते हो। ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमारे वायर्स कनेक्ट होंगे। ओके गाइस, और ये इसका इनक्लोजर है, छोटा सा क्यूट सा। इस पे इसका मॉडल नंबर है, और ये सारे स्पेयर्स भी हैं इसके अंदर। नॉब्स है, सिंगल नॉब है, और इसकी सिंगल नॉब भी इसमें अवेलेबल है। और गाइस स्क्रू ड्राइवर भी है, हीट सिंक भी आपको मिलेगी इस बॉक्स के अंदर। मतलब एकदम क्यूट एम्पलीफायर बोर्ड होने वाला है ये, जितने। ओके, तो ये 50+50 वॉट का हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है, टेक्निकल मेकर का, जिसको भी आप ऑल इंडिया कहीं पर भी मंगा सकते हो घर बैठे बैठे। तो ये था फर्स्ट, अब बात करते हैं अपने सेकंड की। सो गाइस, जो सेकंड है वो भी टेक्निकल मेकर का है, ये देखिए गाइस। सो गाइस, ये एम्पलीफायर फिर से अपडेट हुआ है, जो हमारा स्टीरियो एम्पलीफायर बोर्ड था 50+50 वॉट का, ये अब सबसे हैवी एम्पलीफायर बोर्ड है उन सबसे। मतलब फीचर इसमें ज़्यादा है, ये देखिए गाइस। सबसे पहले तो इसमें ब्लूटूथ मिलेगा आपको, ओके, ऑक्स मिलेगी इसमें आपको, और यहाँ पे पावर सप्लाई इनपुट करने के लिए टर्मिनल मिलेगा आपको, और जैक भी मिलेगा आपको, मतलब पोर्ट भी मिलेगा पावर सप्लाई इनपुट के लिए। और हीट सिंक के नीचे हमारी TP3116D2IC है, 100 वॉट का ये एम्पलीफायर बोर्ड है। ये इसके आउटपुट टर्मिनल्स है, स्टीरियो एम्पलीफायर बोर्ड है, आउट लेफ्ट आउट राइट। बहुत अच्छी क्वालिटी है गाइस, मतलब इसमें फीचर थोड़े ऐड हो गए हैं और साइज भी थोड़ा बड़ा हो गया है। ओके, तो इसमें नॉब भी आपको मिलेगी। ओके, इसमें आप 50+50 वॉट के 2 स्पीकर बहुत ही इजीली ड्राइव कर सकते हो। और गाइस, मेमोरी कार्ड तो मैं भूल ही गया, इसमें आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो, और एक अच्छा सा सिस्टम बना सकते हो अपने कार ट्रैक्टर होम एम्पलीफायर बनाने के लिए। ओके, तो ये भी अपने पास अवेलेबल है, घर बैठे बैठे एक पीस मंगा सकते हो। सारे के सारे क्लास डी बोर्ड्स दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो कि न्यू स्टॉक आया है अपने पास। उसके बाद गाइस, मैं आपको दिखाना चाहूंगा 502M, ये भी 50 वॉट के 2 स्पीकर ड्राइव करेगा। ये भी एक स्टीरियो एम्पलीफायर बोर्ड है, बहुत ही क्यूट एम्पलीफायर बोर्ड है, आप देख सकते हो। ये देखिए, ये इसका ऑन ऑफ बटन है, पे हमारी पावर सप्लाई अटैच होगी। ये पोर्ट है पावर सप्लाई का, ये 3.5 mm का ऑडियो जैक है ऑडियो इनपुट के लिए, और यहाँ पे ऑडियो आउटपुट के लिए भी आपको जैक मिलेगा। उसके बाद गाइस, ये लेफ्ट एंड राइट स्पीकर के टर्मिनल्स है 50+50 वॉट के। नहीं देखिए गाइस, ये इसकी सिंगल नॉब है, क्यूट सी, बहुत ज़्यादा क्यूट सी है। और गाइस, ये जब असेंबल हो जाता है तो क्यूट सा इंटरफेस लगता है, ऑडियो इंटरफेस। आपको राइट साइड में इमेज दिख रही होगी, और 5.0 इसमें ब्लूटूथ है, आई थिंक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। ये इसकी ऑडियो IC है, हुजी ऑडियो की IC, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, 100 वॉट की लिखा हुआ है हुजी ऑडियो। ओके, तो USB के थ्रू भी आप इसमें साउंड प्ले कर सकते हो। और ये सारे इसके मतलब पार्ट्स है असेंबलिंग के लिए, स्क्रू ड्राइवर है, हीट सिंक है, हीट सिंक इसकी IC के ऊपर लगेगी, ये IC है इसकी, और ये इसकी नॉब है जो कि ऊपर लगेगी। ओके, स्क्रू ड्राइवर है, उसके बाद इसके अंदर इसका इनक्लोजर है एक्लेरिक सीट का, सारे स्पेयर्स हैं इसके अंदर। ये 1002M है, इसका एक और बड़ा भाई आता है 100+100, वो भी अपने पास है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले ये देख लेते हैं, ये देखिए इसका जो मॉडल नंबर पीछे लिखा हुआ है, गोल्ड A502। क्वालिटी देखिए, ऑलरेडी असेंबल्ड है, आपको कोई भी असेंबलिंग नहीं करनी है घर पे आते ही। ये इसकी क्यूट सी नॉब है, बहुत स्मूथ नॉब है, ये देखिए। और गाइस, इसमें कुछ फीचर देखने को मिलेंगे। और गाइस, ये जो एम्पलीफायर बोर्ड है, ये भी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की जो IC है TP3116D2, उसी में बेस्ड है।
जो कि 100 वॉट की आईसी है, 50 प्लस 50 वॉट का ये आउटपुट देगा। ये इसका पावर सप्लाई पोर्ट है जो कि हम देंगे डीसी 8 वोल्ट टू 24 वोल्ट। ओके, ये लेफ्ट स्पीकर है, ये राइट स्पीकर है, एक स्टूडियो एम्पलीफायर बोर्ड है, क्यूट सा एम्पलीफायर बोर्ड है गाइस, चेक कीजिए, मतलब देख के दिल खुश हो जाता है। उसके बाद गाइस इसमें आपको इनपुट के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ब्लूटूथ मिल जाता है सबसे पहले, मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिल जाता है आपको इसके अंदर। उसके बाद गाइस यूएसबी मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको दो जैक मिल जाएंगे 3.5 mm के, एक ऑडियो इन के लिए है, एक ऑडियो आउटपुट के लिए, आउटपुट मतलब अपना हेडफोन वगैरह भी इसमें आप लगा सकते हो, यूएसबी टीएफ मेमोरी कार्ड भी इसमें लगा सकते हो। तो ये क्वालिटी है गाइस, मतलब देख के दिल खुश हो जाता है, ऐसे एम्पलीफायर बोर्ड मतलब क्वालिटी देखिए, मतलब कोई कहेगा ही नहीं कि भाई क्या चीज बना रखी है यार, मतलब मजा आ जाता है देख के। ओके, तो टेस्टिंग वगैरह बहुत जल्दी आएगी, जितने भी एम्पलीफायर बोर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अभी अनसीन है टेस्टिंग को लेके, तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया, मजा आ गया देखो। तो ये है अपना नेक्स्ट एम्पलीफायर बोर्ड 1002M, बहुत डिमांडिंग था एक टाइम पे, मैंने वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर रखी है और बहुत ज्यादा प्यार आपने दिखाया, अप्रोक्स 80K व्यूज आए हैं उस वीडियो में। दो आपके 100 वॉट के स्पीकर ड्राइव करेगा या बूफर ड्राइव करेगा, 10 इंच के या 8 इंच के 100 वॉट में 4 ओम की लोड पे। तो ये कुछ इसकी पैकेजिंग है, सेम जो 502M था उसकी तरह इसमें एक ये जैक मिल रखा है पावर सप्लाई का, नॉब मिल रखी है, ये ऑन ऑफ का बटन है जो कि हमारे एम्पलीफायर के ऊपर लगेगा, ये स्क्रू ड्राइवर है, ये हमारी मेन यूनिट है। सो गाइस ये अपनी मेन यूनिट है, 5.0 ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी आपको, ये इसकी नॉब है, ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, इसमें भी सेम ऑडियो इनपुट और आउटपुट के लिए आपको 3.5 mm के ऑडियो जैक मिल जाएंगे। ये इसका पावर सप्लाई का पोर्ट है जो कि आपकी होगी डीसी 5 वोल्ट टू 24 वोल्ट की या पावर सप्लाई इसमें दोगे। इस हीट सिंक के नीचे इसकी आईसी है, तो रिवील करते हैं देर कैसी, इसमें आप 10 एम्पियर तक का करंट दे सकते हो, देखते हैं इसमें कौन सी आईसी लगी हुई है, जो कि 200 वाट की आईसी है भाई, स्टीरियो एम्पलीफायर बोर्ड है। ओके, इसमें दो आईसी लगी हुई है आप देख सकते हो, मेरे को लगा एक ही है, जो कि आई थिंक होजी ऑडियो की है क्योंकि ये होजी ऑडियो का एम्पलीफायर बोर्ड है, चेक करो गाइस। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है होजी ऑडियो, ठीक है, इसमें 100 वॉट की दो आईसी लगी हुई है अपनी होजी ऑडियो की। ओके गाइस, तो ये होजी ऑडियो का ZK 1002M है और ZK MT21 भी होजी ऑडियो का है, इसका प्राइस भी आपको नीचे दिख रहा होगा, सारे प्रोडक्ट का प्राइस मैंने नीचे मेंशन कर रखा है। ये इसके आउटपुट टर्मिनल्स हैं जो कि 100 प्लस 100 वॉट के होंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये इसकी नॉब है और गाइस असेंबल होने के बाद ये उसी की तरह लगेगा और असेंबल होने के बाद ये बहुत क्यूट लगने वाला है, ठीक है। तो सारे एम्पलीफायर बोर्ड मैंने आपको दिखा दिए और ये सारे मतलब मेरे फेवरेट एम्पलीफायर बोर्ड है, अगर छोटे में देखा जाए तो क्यूटेस्ट एम्पलीफायर बोर्ड सारे के सारे, और सबसे ज़्यादा तो ये था जो कि ऑलरेडी असेंबल्ड था, मज़ा आ गया इसको देख के। और सारे ऐसे ही लगेंगे जो 502M है, 1002M है, असेंबल होने के बाद कुछ ऐसे ही लगेंगे। ओके, सो गाइस ये कुछ आइटम्स थे आज की इस वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, सब कवर कर लिया हमने इस वीडियो में, इनक्लोजर भी दिखा दिया, सबवूफर भी दिखा दिया, सारे एम्पलीफायर भी दिखा दिया न्यू, तो कुछ फेस टू फेस बातें करते हैं, लेट्स गो। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जो ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स, कमेंट में हाय लिखना, सबके रिप्लाई करने वाला, और अगर आप बाय करने में इंटरेस्टेड हो कोई भी प्रोडक्ट जो आपने इस वीडियो में देखा है, चाहे वो एम्पलीफायर बोर्ड हो, इनक्लोजर हो, सबवूफर हो, तो वो भी आप बाय कर सकते हो। बाय कहाँ से करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको कैटलॉग का लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ऑल इंडिया डिलीवरी है अपनी, घर बैठे बैठे आप एक पीस मंगा सकते हो। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेट्स गो।